तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, सभी को सुप्रभात, क्योंकि आज ये वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है आपका क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का आपका प्री बोर्ड हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, तो उसका ये सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन देखना है तो मैंने कल रात को ही अपलोड कर दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं, मेन मेन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो देख सकते हैं, ये जो है आपका पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का है, कोड इसका 028 है और मैक्सिमम मार्क्स जो कह सकते हैं आप 40 है, और टाइम जो अलाउड किया जा रहा है अब वो 90 मिनट का किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कि पेपर कैसा आया था। वैसे कंपेयर किया जाए मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का, तो मेरे ओपिनियन में आपका पेपर थोड़ा इजी आया था मॉर्निंग शिफ्ट का। थोड़ा सा मतलब लेवल की बात की जाए तो 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी चलिए इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1962 के अंदर। बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि 1914 से 18 के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरा है कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों लिटिल बॉय जो है, सो कि इसका गुप्त नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे का। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखिए कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में कह सकते था, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था, तो वो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न कि 15 गणराज्यों से मिलकर बनाए गए देश का नाम बताइए, तो जो है सो कि वो होगा आपका बी ऑप्शन, इसका सही होगा पाँचवें का, वो है आपका सोवियत संघ, सोवियत यूनियन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न कि सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे, तो ए ऑप्शन इसका भी सही होगा, मिखाइल गोरबाचेव आपको लिखना था, मिखाइल गोरबाचेव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न कि रूस संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी। ठीक है, आठवां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों जून 1990 आपको जो है सो कि लिख लेना था आठवें प्रश्न के अंदर, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, नौवां प्रश्न है आपका, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ट्यूनेशिया जो है यहाँ से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, एंटोनियो गुटेरेस है, इससे पहले आपका बान की मून थे, उससे पहले कॉफी अन्ना थे। ठीक है, तो वर्तमान की अगर बात कर रहा है तो एंटोनियो गुटेरेस आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, अगला प्रश्न देखिए, ग्यारहवां प्रश्न कि अटलांटिक चार्टर जो है 1942 पर डैश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, ग्यारहवां प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों यूएसए और ब्रिटेन, सॉरी ब्रिटिश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका ग्यारहवें प्रश्न का, यूएसए एंड ब्रिटिश यहां पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बारहवां प्रश्न देखिए, भारत कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था, तो ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, इवनिंग में भी आ गया, तो ये आपका अक्टूबर 1945 के अंदर आपका जो है सो कि भारत जो है सो कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तेरहवां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर यहाँ बच्चे ने सही लगाया है, बी ऑप्शन सही होगा तेरहवें प्रश्न का, 1946 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न चौदहवां प्रश्न कि स्वतंत्र
आंदोलन में कौन से नेता ने मतलब कौन से ऐसे नेता थे जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखा था, इनका नाम है आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा एक चौदवे का, खान अब्दुल गफार खान जो है इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, 15वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 15वें का बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलें, 16वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो है आपका डी वाला ऑप्शन, 16वें का डी सही होगा बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न कि विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17वें का, हैदराबाद के जो है सो कि जो निजाम जिसको कहा जाता था आप ये कह लीजिए, तो हैदराबाद आप इसका सही उत्तर लगा देंगे, 17वें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न देखिए कि राज्य पुनर् जो गठन कानून है वो कब लागू किया गया था, 18वां क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1956 में, 18वें का ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं, 19वां प्रश्न देखिए कि योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बना दिया गया है, तो 19वें का डी ऑप्शन सही होगा, नीति आयोग जो है सो कि बना दिया गया है ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न कि जो गरीब और पिछड़े समुदाय समूह की तरफदारी करते हैं उन्हें डैश कहा गया है ठीक है, 20वें का बी ऑप्शन सही होगा, वामपंथी कहते हैं उनको ठीक है बच्चों। तो आई होप कि 20वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्यों में से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ठीक है। तो 21वें प्रश्न का जो है सो कि आपको सही उत्तर लगाना था सी वाला, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना ये गलत चीज़ है, ये नहीं था उनका ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी, तो 22वें का ए ऑप्शन सही होगा, बांडुंग सम्मेलन के अंदर पड़ी थी ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न कि धार्मिक नेता दलाई लामा का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो 23वें का सी ऑप्शन सही होगा, तिब्बत से है उनका संबंध ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो वो बी ऑप्शन सही होगा, 1974 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था जो कि फेल हो गया था, उसके बाद जो है सो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल्ली परमाणु परीक्षण किया गया आपका शक्ति 98 के नाम से उसका मतलब कोड है आपका, तो 1998 में हमारा पूर्णतः जो परमाणु परीक्षण है वो हो गया आपका, कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम पे, और हमारे जो अब APJ अब्दुल कलाम है वो उनके नेतृत्व में सारे चीज़ देखा रेख मतलब किया गया था, देखरेख की गई थी ठीक है। तो इन दोनों जो महान व्यक्ति थे इनके ही नेतृत्व में आज हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, कह सकते हैं परमाणु संपन्न देश है ठीक है, जिससे कि कोई दूसरा देश हमें आँख दिखाने की ज़रूरत नहीं करता है ठीक है बच्चों। तो ये जो ऑप्शन है आपका यानी कि 29वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर 1974 होगा ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम आ गए हैं सेक्शन बी की तरफ यानी खंड बी जो है हमारा, इसके अंदर बोला है कि कोई 20 प्रश्न हल करने हैं आपको, तो मैं आपको यहाँ पर पूरे जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर बताने वाला हूँ। 25वां क्वेश्चन देखिए कि कोरिया संकट का काल पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई कोरिया क्राइसिस पीरियड, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये ए वाला ऑप्शन यानी 25वें का ए वाला ऑप्शन की 1950 से लेके 1953 से लेके 1953 तक ठीक है। तो ये होगा आपका 25वें का सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 26वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा काल साम्यवादी चीन का सोवियत संघ से अनबन का समय था ठीक है। तो 26वां प्रश्न है आपका ये, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये होगा ए वाला, 1950 का दशक ठीक है, ए ऑप्शन 1950 का जो टाइम था वो आपका जो साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के बीच में अनबन का समय था ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न कि जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर 27वें के अंदर बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1961 27वां प्रश्न ठीक है। तो आई होप कि ये 27वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए,
28वां प्रश्न कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, 28वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी वाला 28वें का, 1961, इसमें भी आपको लगा देना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न देखिए कि बोल्शोविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक डैश थे, 29वां प्रश्न है आपका। इसका सही उत्तर है बच्चों बी होगा, 29वें का व्लादिमीर लेनिन थे आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न जो है सो कि इसमें मुझे हाईली चांस कह लीजिए, 100% कह लीजिए, 110% कह लीजिए, ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन देखिए कि 21वीं सदी ने डैश देशों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकासों का उदय देखा। ठीक है, कौन से ऐसे देश है जिसके अंदर 21वीं सदी जो था उसने इन देशों में लोकतंत्रों और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकासों को देखा, ठीक है, नए विकासों के उदय को देखा, ये आपको बताना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सी वाला ऑप्शन सही होगा, दक्षिण एशियाई जो देश है उसके अंदर। ठीक है, बाकी आंसर की आएगा तो उसमें हम देख ही लेंगे, लेकिन मुझे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है इसका। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी आपका। तो जो 31वां प्रश्न है बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका, अरब स्प्रिंग जो है सो कि ये हुआ था आपका 2010 में, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा 31वें प्रश्न का। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न कि कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है। ठीक है, द टर्म कंप्यूटर वॉर वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको दिया गया है आपका। ठीक है, 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन, प्रथम खाड़ी युद्ध, या इसको ए में इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट गल्फ वॉर जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 32वें का ए ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये मैंने आपको बताया था, ए ऑप्शन इसका सही होगा 33वें का, जेनेवा के अंदर है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं जिसमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, इसको हमें बताना है इसमें क्या सही है क्या गलत है। 34वां प्रश्न है कि अभिकथन बोल रहा है इसके अंदर कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई, और कारण बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का काम दूसरे विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए धन एकत्रित करना था। ठीक है, ये आपका 34वां प्रश्न है। तो इसमें क्या है, आपको ए ऑप्शन लगाना था कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो ये ए वाला 34वें का ए ऑप्शन जो है सो कि सही हो जाएगा आपका। 35वां प्रश्न देखिए कि अभिकथन बोल रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, बिल्कुल सही करेक्ट है, और कारण बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है, ये भी सही है आपका। तो इसमें भी आप ए लगा देंगे कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो इसका 35वें का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न कि भारत की केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, किस सन में जो है सो कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो 36वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 37वां प्रश्न, इसमें अभिकथन बोल रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश का शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और कारण है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। ठीक है, तो ये अभिकथन और कारण हमें बोल रहा है 37वें प्रश्न के अंदर, तो इसका भी ए वाला ऑप्शन ही सही होगा कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है हमारे, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये आप इसका लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न की इसमें अभिकथन दे रखा है कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को मान लिया गया था। ठीक है, लिया था, और कारण बोल रहा है इसमें कि आज़ादी की तत्काल बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, ये आपका कारण बोल रहा है 38वें प्रश्न के अंदर, तो इसका भी ए ऑप्शन सही होना चाहिए कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है 38वें प्रश्न में। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न है हमारा, कि इसमें कथन बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, और कारण बोल रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा से गांधी जी के मन पर गहरी चोट लगी थी। ठीक है, तो ये 39वां है, तो इसका सही उत्तर भी ए आप लिखेंगे। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कि अभिकथन बोला इसमें कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले और दूसरे हैं भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आज़ादी से पहले का भारत था वो दो हिस्सों में डिवाइड था। पहला हिस्सा ऐसा था जिसके अंदर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश जिसके अंदर डोमिनेट कर रहे थे वो इंडियन प्रोविंसेस थे, और दूसरा हिस्सा था जिसके अंदर देसी रजवाड़े थे। ठीक है, ये आपका जिसको आप प्रिंसिपली स्टेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपली स्टेट्स, और कारण बोल रहा है कि भारत में 565 देसी रजवाड़े थे, तो ये भी सही है आपका। तो 40वें का भी ए सही हो जाएगा, कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो 40वें में भी आपको ए लगा देना था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है 41वां प्रश्न, कि धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। 41वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है आपका यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। तो 41वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 42वां प्रश्न, कि सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द का प्रयोग किया था। 42वां प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, 42वें का गोरबाचेव ने। ठीक है, आगे चलते हैं, 43वां प्रश्न देखिए, 43 वाला जो क्वेश्चन है, कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का एक उत्तम उदाहरण निम्न में से किसे माना जाता है। 43वां प्रश्न है आपका ये, तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, बर्लिन की दीवार को, यानी कि 43 जो क्वेश्चन है आपका 43वां, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न, अभिकथन है इसके अंदर, कि 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है आपका, और कारण बोल रहा है कि अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि की थी, तो कूटनीतिक चाल के कारण क्या किया था उन्होंने, तेल के कामों में तेल के सॉरी दामों में वृद्धि की थी, यहाँ पर तेल के प्राइसेस बढ़ाए थे, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो 44वें का जो लिखना था आपको ए ऑप्शन लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं, 45वां देखिए, 45 वाला जो क्वेश्चन है, अभिकथन बोल रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई, और कारण बोल रहा है इसका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन का मूल कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध था। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है सो कि 45वें के अंदर आपको डी ऑप्शन लगाना है, यानी कि अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ये आपको बता देना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 46वां प्रश्न, कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 46वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए ऐसे ही वीडियोस। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा 47वां प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूछ रहा है हमसे कि आज़ादी के बाद कुछ नेता अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थे, इन नेताओं में प्रमुख कौन से थे। ठीक है, वो आपको बताना है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, वो है आपका इसके अंदर बी वाला ऑप्शन, इसका सही होना चाहिए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है, और चांसेस है कि इसका ए वाला भी ऑप्शन हो सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 47वें का बी। ठीक है, आगे चलते हैं, 48वां प्रश्न, कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत
के द्वारा, यानी कह लीजिए भारत चीन जब युद्ध हुआ था, तो चीन के अंदर यात्रा पर जाने वाले विदेश मंत्री का नाम आपको पहचानना है। तो इसका 48वें का सी ऑप्शन सही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे भारत चीन युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखिए, कोई भी 10 प्रश्न हल करने हैं, सेक्शन सी के अंदर आ गए हैं अब हम लोग। इसमें नीचे दिए गए चित्र के आधार पर, नहीं ये कार्टून दे रखा है उसके आधार पर प्रश्नों को हल करना है। ये कार्टून मैंने ऑलरेडी आपको कार्टून वाली सीरीज के अंदर करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जो हमारा टर्म वन एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वहीं से आए थे, चाहे आप बात कर लीजिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर से, या फिर जितने भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियो बनाए थे उसके अंदर से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मतलब क्वेश्चन देखिए कि 49वां क्वेश्चन है, यह कार्टून क्या दर्शा रहा है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन यानी 49वें का डी ऑप्शन सही लगाना था, बी और सी दोनों सही होगा इसका। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको, बी क्यों सही होगा, बी देखिए ध्यान से कि रियासतों में लोगों और शासकों के बीच के संबंध को दर्शाया जा रहा है, इस कार्टून के अनुसार हमें आंसर देना है। तो जो इसके अंदर ये जो रियासत है इसके अंदर जो लोग हैं, लोग ये रहे हमारे, और जो शासक है ये शासक, तो इनका संबंध कैसा है, जो जनता है वो तो पूरी भुखमरी से मरी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं आप एकदम दबी कुचली वर्ग की लोग बन के रह गए हैं, बिल्कुल दब गई है, और जो शासक है उसके ऊपर बैठ के शासन कर रहा है। तो बी ऑप्शन भी सही होगा और सी भी सही होगा इसका, कि सरदार पटेल द्वारा एकीकरण के मुद्दे को हल करने के लिए करने के दृष्टिकोण को दिखाया जा रहा है इसके अंदर, हल करने के दृष्टिकोण को, कि ये कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये बोल रहे हैं कि नाना नाना राजन आप उठिए मत, बस ये जो आप अपने हाथ में पकड़े हुए ना ये डब्बा ये मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर 49वें क्वेश्चन के अंदर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों ही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, ये जो प्रश्न है ये केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए, इसमें बोल रहा है कि भारत के पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे अधिक प्रभावित 2 प्रांत कौन से थे, तो वो था आपका पंजाब और बंगाल, ये आपको लिख देना था डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर देना। आपको 50वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे, कि कार्टून में दिखाई दे रहे व्यक्ति के दाएं हाथ में किस संस्था का प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ पर बच्चे दाएं और बाएं में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा कि ये बोल रहा है राइट हैंड के अंदर, राइट हैंड के अंदर किसका आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। 50वें क्वेश्चन का सही उत्तर है बच्चों आपका सी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सो कि प्रतीक चिन्ह देखने को मिल रहा है, एक तरह से लोगो देखने को मिल रहा है आपको। अगला प्रश्न भी हमारा देखिए, यह प्रश्न केवल दृष्टिबाधित के लिए है वैसे तो, कि आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2 मॉडल थे, ठीक है। ये है आपका पूंजीवाद और समाजवाद। अगला है हमारा कि नीचे दिए गए कार्टून का मतलब सॉरी चित्र का अध्ययन करना है और आंसर बताना है, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन पूछ रहा है 51वां प्रश्न कि उपरोक्त चित्र में दाएं और दिखाई दे रहे भारतीय नेता को पहचानना है, तो एक ही है हमारे यहाँ पर, वो है आपका ए ऑप्शन सही होगा आपका 51वें का, पंडित नेहरू जी हमारे इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो 51वें का ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये है आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 52वां प्रश्न, 52वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों, कि दूसरे विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था आपका, ठीक है। तो 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो डी होगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका धुरी राष्ट्रों के बीच में। अगला है हमारा 53वां क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम रहा, ठीक है। 53वां क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 53 का बी होगा, विश्व 2 ध्रुवीय बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निम्न में से किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध का, तो 54वें का सी ऑप्शन सही होगा, 1945 में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 55वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, तो 55वें का बी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अगला आप गद्यांश वाला आ रहा है, गद्यांश को पढ़ो और उत्तर दो, तो गद्यांश आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है 56वें क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस संस्था के हस्तक्षेप से 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत हुआ था, तो 56वें क्वेश्चन का आप बी ऑप्शन सही लगाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका, ठीक है, यूएनओ। 57वां क्वेश्चन देखिए, 57वां क्वेश्चन है 1965 भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो
यहाँ पर शुरुआत की बात कह रहा है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा, गुजरात सीमा से, और गुजरात सीमा के बाद जो है सो कि वो जम्मू कश्मीर में गए थे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो 57 प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है अकॉर्डिंग टू NCERT। 58वां प्रश्न देखिए, 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 58वां जो प्रश्न है आपका उसका सही उत्तर होगा आपका बी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। 59वां प्रश्न देखिए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था आपका, तो ताशकंद समझौता हुआ था बी ऑप्शन 59वें का सही होगा, 1966 के अंदर हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1966 के अंदर। 60वां क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो है आपका वो है, 1965 की लड़ाई ने से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो वो हुआ था आपका ए ऑप्शन, 60वें का ए ऑप्शन सही होगा, आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक जोन जो है हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था इसके अंदर से, इस युद्ध से आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। और बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।